नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम ऑल इन वन QR कोड के बारे में। जी हां, ऑल इन वन QR कोड के बारे में बात करेंगे, क्या है ऑल इन वन QR कोड और किस तरह के बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है, अगर आप एक मर्चेंट यूज़र है, मर्चेंट अगर आपने ओपन कर रखा है पेटीएम बिजनेस अकाउंट, तो सबसे पहले आपको शो QR कोड पर क्लिक करना है। शो QR कोड पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पेटीएम की ऑल इन वन QR कोड कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहां पर पुराना QR कोड ही नजर आता है तो स्लाइड करते हुए नीचे जब जाओगे तो आपको एक नया QR कोड जनरेट करने की ऑप्शन आएगी। इस पर मैं पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जो उस वीडियो का लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैं दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम पुराना वाला QR कोड को बदलकर एक नया वाला QR कोड पेटीएम ऑल इन वन QR कोड ले सकेंगे। अब दोस्तों इसका फायदा जो है बहुत है। यहां पर पहले वाला QR कोड क्या था कि पहले वाला QR कोड को आप जो है पेटीएम एप्लीकेशन के मदद से स्कैन करते थे और उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट करते थे या फिर आप जो है पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते थे, वहां पर डायरेक्टली आप कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों इस QR कोड में क्या है कि आप अगर पेटीएम एप्लीकेशन से यहां पर स्कैन करोगे ना तो आप पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर पाओगे, साथ ही साथ आप जो है रुपए कार्ड से भी पेमेंट कर पाओगे और UPI से भी पेमेंट कर पाओगे। अब दोस्तों पहले ये था कि अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना होता था तो सबसे पहले आप जो है पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करते थे, लेकिन अब जो है आप डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन याद रहे कि कार्ड वाला जो सर्विस है और वॉलेट वाला जो सर्विस है वो मर्चेंट पर इनेबल होना चाहिए, ठीक है। आप अगर कहीं मर्चेंट पर जाते हैं, अगर वहाँ पर इनेबल है उनके QR कोड में वॉलेट या फिर कार्ड वाला ऑप्शन, तो आप जो है डायरेक्टली वॉलेट या फिर कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों दूसरी नंबर फायदा ये है कि आप किसी भी UPI एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन कर पाओगे और उससे पेमेंट कर पाओगे। जैसे पेटीएम का यह QR कोड आप चाहो तो फोन पे से भी स्कैन कर सकते हो या फिर गूगल पे से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो UPI से। तो ये ऑल इन वन QR कोड जो है मर्चेंट यूजर के लिए लॉन्च कराया गया है पेटीएम के द्वारा, जिनका पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट है या फिर कोई दुकान है, शॉप है और वो पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट ओपन कर चुकी है, उनके लिए यह QR कोड ऑल इन वन QR कोड लॉन्च कराया गया है और यहां पर बहुत हद तक फायदा होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पहले वाला QR कोड अगर दुकान पर कोई लगाता था तो आपको उसे पेटीएम से ही स्कैन करना पड़ता था, लेकिन भाई यूजर तो है अलग अलग पेमेंट करेंगे, जैसे कोई आ गया तो गूगल पे से पेमेंट करेगा या फिर फोन पे से पेमेंट करेगा, इस तरह के जो है पेमेंट लोग जो है कस्टमर जो है करते रहते हैं। अब पेटीएम ने क्या किया कि पहले वाला QR कोड को बदलकर ऑल इन वन QR कोड लॉन्च करवाया। ऑल इन वन QR कोड की मदद से जो है कस्टमर अब चाहे तो गूगल पे से भी पेमेंट कर सकता है या फिर फोन पे से भी पेमेंट कर सकता है, ये UPI की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना चाहे तो पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर सकता है और कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट करना चाहे तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है। तो आप जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपके पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में अकाउंट में ऑल इन वन QR कोड शो नहीं हो रहा है तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि कैसे QR कोड बदलना है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको पेटीएम की ऑल इन वन QR कोड के बारे में बता दिया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ी या फिर पेटीएम ऑल इन वन QR कोड से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो बेहिचक कॉमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।